तो गाइज अभी जो आपने ये कुछ इस टाइप की रील वीडियो जो देखा है ना, तो इस तरीके की जो लिरिक्स वीडियो है ना इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके की रील वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। सिंपली इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, सिंपल तरीके से बताऊँगा कि कुछ इस टाइप की लिरिक्स वीडियो आप कैसे ईजिली क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। अलाइट मोशन को आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर प्लस की आइकन पर क्लिक कर लीजिए, देन 9:16 की साइज को सिलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर लूँगा। अभी सबसे पहले मैं सॉन्ग को ऐड कर लूँगा, तो मेरे पास वो वीडियो है जो आपने प्रीव्यू में सुना है। तो प्लस पे आएंगे, मीडिया में आएंगे, देन यहाँ पर मैं गैलरी में आता हूँ और गैलरी से गाइज उस वाली वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ऐड करने के बाद मैं गाइज इसको टैप कर लेंगे, देन 3 डॉट पे आके एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी सॉन्ग यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉन्ग को रहने देंगे, बाकी वीडियो को टैप करके हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी आप पहले भी गाइज यहाँ पे म्यूजिक के अकॉर्डिंग बीट मार्क लगा सकते हो, लेकिन हम पहले ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग गाइज लिरिक्स को लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप प्लस पे आ जाओ और मीडिया में आ जाइए और यहाँ पर अपनी गैलरी में आ जाइए। ठीक है, और गैलरी से पहले एक इमेज को यहाँ पर आपको ऐड कर लेना होगा, जिस इमेज को आप अपनी बैकग्राउंड में रखना चाहते हो। तो यहाँ पर ये वाला इमेज इसको ऐड करेंगे और इसकी ड्यूरेशन को एंड तक कर देना है। ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में आके इसकी लाइटन में जाके स्क्रीन पे टैप कर देना। ठीक है, और इसकी ओपासिटी को कुछ इस तरीके से कम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 60 कर रखा था, तो 60 कर दूँगा। ठीक है, अब इतना हो चुका है। अभी प्लस पे आएंगे और एक शेप को ऐड कर लीजिए और एडिट शेप में आइए और यहाँ पर इसको टैप कीजिए, वाई को, वाई है, हाँ सॉरी, एक्स को टैप कीजिए और यहाँ पर कर लो 560 और डन कर दो। और नीचे की तरफ आओ, वाई को टैप करो और यहाँ पर इसको लिखो 220। ठीक है, इस तरीके से टैप करके डन कर दीजिए। अभी गाइस यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन को भी आपको लास्ट तक पहले कर देना होगा, उसके बाद में आपको इसको टैप करके प्लस में आके डुप्लीकेट एक लेयर कर लो, ऊपर वाले लेयर को बंद कर दो। ठीक है, अब नीचे वाले लेयर को टैप कर लो। उससे पहले गाइस यहाँ पर प्लस पे आइए और मीडिया में आइए और एक कोई इमेज को ऐड कर दो। ठीक है, तो मैं इस इमेज को ऐड कर लेता हूँ और इसको टैप करके नीचे रख देता हूँ। अब इसकी भी ड्यूरेशन मैं लास्ट तक करूँगा। ठीक है, अब नीचे वाले लेयर को टैप कीजिए और यहाँ पर कलर एंड फील की ऑप्शन में आके इस ग्रेडियंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से सेलेक्ट करो। अब देखो, आपको ग्रेडियंट बनाना है, जिस तरफ बना सकते हो उस तरफ बना लेना। इधर भी बनाना चाहते हो इधर बना सकते हो, इधर बनाना चाहते हो इधर बना सकते हो। मैं फिलहाल के लिए इधर कुछ इस तरीके से रखता हूँ। ठीक है, अब देखो जहाँ पर ब्लैक कलर है इसको टैप करेंगे और मैं यहाँ पर ये ब्लू कलर कर दूँगा और इसको और डार्क करूँगा और मैं इस तरीके से इसको नीचे की तरफ ले आऊँगा। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर लूँगा। और जहाँ वाइट कलर है इसको थोड़ा सा मैं और आगे करूँगा, इसको इस तरीके से, जहाँ वाइट कलर इसको टैप करके कलर में आएंगे और नीचे की तरफ इसको खींचोगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते तो कुछ इस तरीके से गाइस अभी फ़िलहाल के लिए आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ध्यान से देखते रहो। अब ऊपर वाले को ऑन कर देना है, अब ऊपर वाले को आपको टैप कर देना है और ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में जाके मास्क में जाके इसको टैप कर देना है। तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब अपनी फ़ोटो को टैप कीजिए और इसको ऐसे करके रख लो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और ये जो है ना, इसको ग्रेडियंट को थोड़ा सा मैं इधर और कर लेता हूँ। ठीक है, और इधर थोड़ा सा मैं और ब्लैकनेस कर लेता हूँ, तो लाइक अब ठीक है। ठीक है, अब इनकी ड्यूरेशन को हमने पहले से एंड तक करके रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस पे आएंगे और अपनी लिरिक्स को लिखना होगा। तो मुझे लिरिक्स भाई याद नहीं है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिरिक्स को गाइस यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने पहले यहाँ पर क्रोम में सर्च करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो भी लिरिक्स लिखना है ना उसकी लिरिक्स को गाइस याद रख लेना, नहीं तो क्रोम में चले जाना और यहाँ से गाइस मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप भी कॉपी कर लेना, जाकर नेम सर्च कर लेना सॉन्ग की, आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, वहाँ से कॉपी कर लीजिए। प्लस पे आइए, टेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए
और गाइज यहाँ पर आपको लिरिक्स को लिख देना है, ठीक है। तो पहली जो वर्ड था मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बाकी के वर्ड को कॉपी करेंगे। स्टार्टिंग के वर्ड लिरिक्स की आपको यहाँ पर कर देना, देख सकते हो इस कैपिटल में। और कलर में आकर वाइट कलर ऐड कीजिए। अभी रोबोटो रेगुलर में आइए और व्यू ऑल फॉन्ट्स में आइए। पहले फॉन्ट को ऐड कर लो, तो थ्री डॉट पे आकर इम्पोर्ट फॉन्ट्स पे क्लिक कीजिए। गैलरी से गाइज आपको जो भी फॉन्ट आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। तो ये वाला फॉन्ट है, देख सकते हो, इसको सेलेक्ट कर लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अब इस फॉन्ट की नेम को आपको सर्च कर लेना, अपोलो कुछ ऐसे नाम का फॉन्ट है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, और पीटी यानी साइज को बढ़ा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अभी डन कर लेंगे, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर रख लेते हैं। अभी इफेक्ट में आके एडिट इफेक्ट पे आ जाना। यहाँ पर हमने सर्च कर लेना टेक्स्ट स्पेसिंग और क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर देना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो, नहीं तो नहीं भी कर सकते। मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा और यहाँ पर रख लूँगा, ठीक है। अब पहले सॉन्ग को सुन लेना है, तो सॉन्ग को, तो यहाँ तक है ये वाला लिरिक्स। तो इसकी ड्यूरेशन को पहले तो हम पूरी लास्ट तक कर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से बीच से हमने कट कर दिया है, देख सकते हो, तो इस तरीके से हमने बीच से कट कर दिया है गाइज, ओके। अब कट करने के बाद हमने क्या करना है, अब इसी पे टैप करना है, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आना। इस बार हमने सर्च कर लेना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्लिक करके यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करेंगे और ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे टैप करके रेंज में जाएंगे। एक प्लस स्टार्टिंग में लगाएंगे, एक थोड़ी सी आपको आगे लगा देना है और यहाँ पर इसको फुल कर देना है रेंज को, स्टार्ट की जो ऑप्शन है, ठीक है, 100। उसके बाद में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है, लेटर की जगह यहाँ पर देखो दो लाइन है गाइस। देखो सबसे पहले अगर वर्ड हम सेलेक्ट करेंगे तो देखो एक ही आएगा, ठीक है, और भी पहले मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन सेलेक्ट किया, जिसमें दो लिरिक्स रहेगा उसमें लाइन आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें सिंगल लिरिक्स रहेगा तो उसमें वर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा में आ जाना है, अल्फा को पूरा यहाँ पर जीरो कर लेना है, यानी कि -1 कर लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों आ चुका है, ठीक है। अब इस तरीके से हो चुका है गाइस। अब आपको क्या करना है, फिर से प्लस पे जाइए और टेक्स्ट पे चले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले इमोजी को टैप कीजिए और यहाँ पर लिख लो वाइट हार्ट, यहाँ पे लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी कलर में आके इसकी कलर को टैप करके नीचे की तरफ खींच लो, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस इसको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में प्लस में आएंगे और एक डुप्लीकेट लेयर और करके इसको यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब गाइस इन दोनों को पहले एक को क्लिक करके प्लस में आकर डुप्लीकेट कर लो, फिर एक को क्लिक करके प्लस में आकर डुप्लीकेट कर लीजिए। अब एक को आपको इस तरफ रखना है और दूसरे को भी गाइस आपको इसी तरफ रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफर में आकर उसको रोटेट कर लो ऐसे करके, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लो कितना करना है, तो मैंने ज़्यादा कर दिया तो 180 रखेंगे, 180 तो 180 रख के मैं इसको यहाँ रखूँगा। अब आप क्या करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ गाइस, क्योंकि इसी को टैप करेंगे और प्लस में आकर डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे, ठीक है। तो एक और आ जाएगा और इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब देखो गाइस सारा कुछ ऐड हो चुका है। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, देखो इन सब की ड्यूरेशन को मैंने यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक कर दिया हूँ। अब इसको भी टेक्स्ट को भी मैं क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पर ये जो एंड में जो इमेज है उसको रहने देना है। बाकी जितने भी है आपको इन सब को टैप कर लेना है और पहली लिरिक्स जहाँ तक वहीं तक रखेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो देखो मेरे पहला यहाँ तक है तो इसलिए मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। अब आगे आपको मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ करना, ध्यान से देखते रहो पहले, ठीक है। अभी प्लस पे आके सेलेक्ट ऑल लेयर कर लो और बस इन दोनों को अनटिक रहने दो। बाकी का जी यहाँ पर साले को यानी कि सारे को सेलेक्ट करके इस ग्रुप वाले ऑप्शन पर टैप करोगे तो देखो इस तरीके से ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको टैप कीजिए और गाइज इसकी ड्यूरेशन को पहले हम एंड तक कर देंगे, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से पूरी एंड तक हो गया है। अब आपको क्या करना है, प्लस पे आके डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर कर लो और एक को पहले आप यहाँ पर ऊपर सेट कर लो। देखो मूवमेंट ट्रांसफर में आइए और ऊपर यहाँ पर सेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा को टैप कीजिए इस वाले को और उसको भी यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इसकी गाइज ड्यूरेशन पहले हम यहाँ तक कर देंगे क्योंकि इसकी म्यूजिक का ड्यूरेशन इतना है, तो यहाँ पर कर लेंगे। अब फिर से आगे सुन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टैप करके आप क्या कर सकते हो, एडिट ग्रुप में आइए और यहाँ पे आप जो लिरिक्स है ना इसको टैप कीजिए और एडिट में आके इसको डिलीट कर दो और जो सुनना चाहते हो यहाँ पे जितना लिखना चाहते हो लिख लो, ठीक है। देखो यार मैं थोड़ा सा ना आपको स्पीड में करके अब दिखाऊंगा क्योंकि भाई यहाँ पर ना वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने कर दिया,
अब इसी तरीके से गाइज आपको क्या करना है कि अपनी यहाँ पर जो शेप है इसको टैप करेंगे और मूवमेंट ट्रांसफर में आएंगे और इसको इस तरफ आपको कह लेना है रोटेट, ठीक है, देखो आपने देखा होगा। अब इसी तरीके से इमेज को टैप कीजिए और इस तरफ कर लो इमेज को। अगर इमेज ऐड करना चाहते हो इसको डिलीट कर लो, प्लस पे आओ, मीडिया में आओ, दूसरी जो इमेज लगाना चाहते हो लगा सकते हो, इसको नीचे करो और इसको यहाँ पर रख लो ऐसे करके, ठीक है। अब इसके ड्यूरेशन को आपको लास्ट तक करना है और लिरिक्स को सेलेक्ट कीजिए और लिरिक्स को आप इस तरफ कर लो, ठीक है। अब देखो हमारा एक ग्रुप बन चुका है, अब देखो दूसरा इधर आ चुका है। अब यहाँ पर देखो सुनेंगे, अब ये कितना आ रहा है वो ध्यान रखना है। अब यहाँ तक है तो इसको टैप करेंगे, प्लस में आकर डुप्लीकेट लेयर कर लो या इसको डिलीट कर दो, ठीक है। ये नीचे वाले लेयर को टैप करके प्लस में आकर डुप्लीकेट लेयर कर लो, क्योंकि यही लेयर हमें चाहिए, अब इस तरफ का हमें करना है। अब इधर रख लो, ठीक है। अब इसको आप टैप करके ऊपर भी कर सकते हो। अब इसको टैप कीजिए और मैं इस तरफ नीचे की तरफ रखूँगा, ठीक है। तो देखो एक इस तरफ एक इस तरफ। अब एडिट ग्रुप में आइए, फिर से जो लिरिक्स लिखना है लिख लीजिए और फोटो को चेंज कर लीजिए वैसे जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद फिर से सुन लेना है, ठीक है। अब जितना आएगा गाइज, पहले तो इसकी ड्यूरेशन को हम फिर से यहाँ पर देखो 15 सेकंड तक कर लेते हैं सारे को, ठीक है। अब इसको भी टैप कीजिए और इसकी भी ड्यूरेशन को हमने 15 सेकंड कर लेना है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और ग्रुप कोई एक्स्ट्रा बाहर चले तो इसको टैप करके ऐसे करके कम कर लेना है, ठीक है, ऐसे करके कम कर लीजिए, ठीक है। तो इधर भी क्लिक करके हमने कर दिया है। अब देखो यहाँ पर लिरिक्स हमने लिख दिया है सेकंड थर्ड, उसके बाद इस तरीके से इधर भी आ गया है। अब इसी को टैप करेंगे और यहाँ पर प्लस में आकर डुप्लीकेट लेयर कीजिए। अब फिर से गाइस इसमें जो लिखना है लिख सकते हो, और नहीं ये वाला लेयर नहीं है, ये वाला हम लेयर सेलेक्ट करेंगे, ये वाला इसको प्लस में आकर डुप्लीकेट कर लेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर ना एक राइट की तरफ है तो एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ तो एक लेफ्ट की तरफ देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें इसको भी ऐसे करके ऐड कर लेना है, ठीक है। और सारे लेयर को थोड़ा सा ऊपर कीजिए अच्छे से गाइज, क्योंकि देखो लेयर अच्छे से ऊपर नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं ऊपर करता हूँ। देन इसको भी हम यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट तरीके से। और इसको भी यहाँ पर, सॉरी ये जो ऊपर वाला है गाइज, तो ये ऊपर इसको भी यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, सॉरी गाइज कहाँ चला गया, हाँ। और इसको भी ऐसे करके आपको ऊपर करके परफेक्ट कर लेना है, ठीक है, और इमेज चेंज कर लेना है। इसी तरीके से गाइज आपको यहाँ पर जितने भी लेयर्स हैं ना एक एक करके लेयर्स को बनाते जाना है। देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और ये सॉरी ये थर्ड वाला है, ठीक है। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर इसी तरीके से सारे लेयर्स आपको बना लेना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पहले एक परफेक्ट तरीके से मैं लेयर बना लेता हूँ और इसी तरीके से लिरिक्स आपको लिख लिख लेना है पूरी एंड तक, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक लेयर बना लेता हूँ, इसी तरीके से लिरिक्स की सारी बना लेते हैं, लिख लेते हैं लिरिक्स को। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस तरीके से लिरिक्स बना लिया है, ठीक है। जो भी रहेगा ना आपको एक एक करके सारे को लिरिक्स बना लेना है, जितना भी लिरिक्स रहेगा ना आपको बनाते जाना है, बीट मार्क ध्यान से लगाते जाना है, बनाते जाना है, बीट मार्क लगाते जाना है, ठीक है। अब देखो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आप जितने भी एंड में देखो चार लिरिक्स तो हमें शो कर रहे हैं, देखो फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उसके बाद में जितने भी हमने लेयर बनाया ना वो नहीं शो कर रहे, तो इसको टैप कीजिए, आप नीचे की तरफ ऐसे ले आकर छोड़ दो इन सब को, ठीक है। तो सॉरी मूव एंड ट्रांसफर में आइए और इसको नीचे के लेयर तरफ ले आकर छोड़ दो। इसी तरीके से आपको सेकंड वालों को भी टैप करना है, अब नीचे ले आकर आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे ले आओ, लेकिन बट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप नीचे ले आकर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मैं नीचे कर दिया हूँ, ठीक है। तो सभी को आपको नीचे कर लेना है, और नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे रहने देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लेयर बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है यहाँ पर सभी को टैप करके गाइज यहाँ पर इफ़ेक्ट वगैरह ऐड करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली लेयर है, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ, चार लेयर शो कर रहा है। उसके बाद में इधर जो है ना इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक ग्रुप को टैप करेंगे, बॉर्डर यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफर में आएंगे और एक प्लस स्टार्टिंग में लगाइए, एक बीट मार्क तक ले जाके लगा देना है और स्टार्टिंग में आना है और इसको नीचे की तरफ आपको खींच लेना है। देख सकते हो ऐसे करके आपको नीचे की तरफ खींच लेना और लाइन जो है ना पूरा रेड होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो गाइस ये परफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब अगर रेड नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो देखो ये रेड हो चुका है, अब थोड़ा सा मैं और नीचे खींच लेता हूँ, ठीक है। अब आगे जाओ और बीच में रहो और कर्व वाले ऑप्शन में आकर ऐसे करके कर्व दे दो, ठीक है, और थ्री डॉट पर आकर कॉपी कर्व कर लो, ठीक है। तो एक फोटो हमारा ऊपर तरफ जाएगा। अब सेकंड को टैप करो, ग्रुप को मूव एंड ट्रांसफर में आओ, एक प्लस स्टार्टिंग में, एक एंड में, फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में आइए। अब इसको भी आपको इसी तरीके से
नीचे की तरफ ले जाना है देखो, और रेड वाली देख सकते हो यहाँ पर लाइन बन जाना चाहिए, देखो रेड बन चुका है लाइन, तो ऐसे बना लेना है। और फिर से आइए यहाँ पे कर्व में आइए, थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर्व कर दो, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। इसी तरीके से अब यहाँ पर थर्ड वाले लेयर को टैप करेंगे, मूव एंड ट्रांसफर में आएंगे, एक प्लस स्टार्टिंग में, एक एंड में, फिर एक यहाँ पे स्टार्टिंग में आएंगे, और फिर से गाइज इसको भी हम यहाँ पे नीचे की तरफ खींचेंगे, देख सकते हो इस तरीके से नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पर रेड लाइन बन चुका है, फिर यहाँ आएंगे बीच में कर्व में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर देंगे। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको भी टैप करूँगा और मूव एंड ट्रांसफर में आके एक प्लस स्टार्टिंग में, एक एंड में लगाऊंगा, फिर स्टार्टिंग में आऊंगा। अब इसको मैं पूरा नीचे की तरफ ले जाऊंगा, और लाइन जो है ना रेड है, क्योंकि भाई यहाँ पर हमें परफेक्ट तरीके से हमने यहाँ पर किया है। अभी फिर से कर्व में आएंगे, थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर चार लेयर तक मेरा शो कर रहा है, उसके बाद में गाइस इधर नहीं शो कर रहा है, तो उसके लिए हम कुछ इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो जितना आपके लिरिक्स यहाँ पर शो करेगा, लेयर शो करेगा, करने देना, बाकी जितना भी लेयर को लिख लिख के यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लगा लेना, ऊपर नीचे जहाँ भी लगता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी चारों लेयर के नीचे रहना चाहिए ये वाली सब लेयर जो अभी हाइड है, अभी जो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्लस पे आइए और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट एलिमेंट पे आइए, और यहाँ पर नूल वाला एक इफेक्ट मिलेगा, तो इसको सिलेक्ट कर लो फिलहाल के लिए। अब इसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लो, जो लिरिक छुपा हुआ है ना, जो नहीं दिख रहा, उसको हम यहाँ पर प्ले करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब नूल को यहाँ पर बैक कर दो, यहाँ पे इस तरीके से बैक हो जाएगा। अब एक एक करके जितने भी यहाँ पर ग्रुप है टैप कीजिए, और इस प्लस की ऑप्शन पे आके नूल वन सेलेक्ट कर लो। फिर से यहाँ पर सेकंड वाले लेयर को टैप कीजिए, प्लस में आइए यहाँ पर इस वाले पे एलिमेंट पे, और नूल वन फिर से सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आइए, फिर से यहाँ पर नूल वन सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से इधर भी आइए, यहाँ पर फिर प्लस इस पर आइए और नूल वन सेलेक्ट कर लो। इसी तरीके से जितना भी आपके ग्रुप है सभी को टैप कीजिए, और इस तरीके से नूल वन जो है यहाँ पर सेलेक्ट करते जाइए, टैप कीजिए और यहाँ पर इसमें आइए, और यहाँ पर नल वन जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर इसको टैप कीजिए और नल वन जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पता नहीं चल रहा है भाई क्या बता रहे हैं, तो थोड़ा सा एकदम माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया जैसे, तो यहाँ पर इसलिए गाइस यहाँ पर टैप कीजिए और आके नल वन को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को, यानी कि गाइस जितने भी लेयर है देखो सबको हमने ऐड कर दिया है। अब जो लेयर हमें नहीं दिख रहा है, जैसे कि देखो ये नहीं दिख रहा है, तो अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पर इफेक्ट भी नहीं लगाया है ग्रुप में, ठीक है। तो अब क्या करना है ध्यान से देखो, यहाँ से हमें शो करना है नीचे जो लेयर है, तो इस पर टैप कीजिए, मूव एंड ट्रांसफर में आइए, एक प्लस यहां लगाइए, एक प्लस यहां से आगे लगा दो। अब इसको आपको ऊपर की तरफ खींचना होगा ऐसे करके, देखो लाइन पूरा सीधा जा रहा रेड कलर का, ये चीज ध्यान रख लेना है, सीधा जा रहा रेड कलर का, यहां पर रख देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे इतना हो चुका है, अब पहले यहां पर हम क्या करेंगे, यहीं पर रहेंगे और मूव एंड ट्रांसफर में आइए, और यहां पर मैं आ जाता हूं इस पे कर्व में, और कर्व दे देता हूं ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे करके इसमें भी कर्व दे दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, और देखो ये परफेक्ट तरीके से नहीं फिक्स है गाइस, तो इसको हम पहले परफेक्ट तरीके से फिक्स करेंगे। अब देखो अच्छे से परफेक्ट हो चुका है, देखो लाइन पूरा बीच में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, एक प्लस स्टार्टिंग वाले ग्रुप में, एक एंड में लगाइए, ठीक है। फिर प्लस को क्या करो, अब इसको नीचे की तरफ आप खींचो, छुपाओ, ठीक है, और नीचे की तरफ ले जाओ। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब फिर कर्व में ये थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर्व कर दो, ठीक है। अब देखो ये पूरा ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसको एंड में जाओ और यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफर में जाके एंड में जाओ, और इसको ऐसे करके ऊपर करके सेट कर लो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे इतना हो चुका है, अब देखो ऐसे करके आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको दूसरी वाले को सिलेक्ट कर लेना है लेयर को, मूव एंड ट्रांसफर में आना, फिर आगे आइए, एक प्लस लगाइए, अब इसको फिर से आप ऊपर कर दो, ठीक है, ऐसे करके ऊपर कर दो। लाइन हमेशा गाइस सीधा रहना चाहिए, ठीक है, ऊपर कर दो ऐसे करके, ठीक है, इतना कर दिया। अब यहाँ पे फिर से कर्व में आइए, और गाइज यहाँ पर आप कर्व को ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या बाद में भी कर्व पेस्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी कर दिया। अब यहाँ पे ये लाइन जो है ना, इसको भी हमें ऊपर करना है, ठीक है, यानी कि ये जो हमें ना, इसको भी गाइज यहाँ पर हमें ऊपर करना है, सेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिलहाल के लिए लगा देते हैं इसको यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इधर आएंगे, ठीक है, और एक प्लस यहाँ पर लगा देंगे, और एक प्लस हम इसकी बीट मार्क में जाके फिर से लगाएंगे, ठीक है। फिर से इधर फिर से गाइस यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग वाले पॉइंट में, तो इसको इधर कर लो, स्टार्टिंग वाले पॉइंट में आएंगे यहाँ पे, सॉरी गाइस, और इसको नीचे की तरफ हम करेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ हम करेंगे, लाइन पूरी सीधी है,
और फिर से यहाँ पर हम आएंगे आगे आके कर्व में आएंगे, थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर्व कर देंगे। तो देखो ये वाली भी इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है, देखो इस तरीके से लेयर, देखो जितना भी छुपा हुआ था ना सारा गाइस यहाँ पे आने लग गया है, ठीक है। आप आगे जितने करते जाओगे ना इसी तरीके से आगे भी टैप करके यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफर में आइए और इसको प्लस पे आके गाइस ऊपर कर लो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऊपर कर लीजिए, ऐसे करके आपको ऊपर कर लेना है और कर्व में आके इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको टैप कीजिए फिर से आपको, और ये देखो कहाँ पे है, तो पहले ढूंढ लो कि कहाँ पे है। अभी आपको यहाँ पर ये कहाँ पे देखते हैं, तो ये ऊपर है, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे स्टार्टिंग में एक एंड में और इस पे आएंगे और फिर से इसको हम नीचे की तरफ ऐसे कर लेंगे, ठीक है, जैसे ऐसे करके नीचे की तरफ और पूरी रेड हम लाइन कर देंगे, ठीक है। देख सकते हो इस तरीके से आपको पूरी रेड लाइन कर लेना है गाइस पूरी। जस्ट वेट गाइस, तो यहाँ पर रेड लाइन हो चुका है। अभी आएंगे कर्व में और थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से आपके ग्रुप्स गाइज यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पर जितने भी गाइज हमारी लेयर्स है वो भी बन चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी प्रीसेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो एक एक करके गाइज सभी प्रीसेट को आप इम्पोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई है गाइस कि जब आप ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे ना तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कर्व हमने ज़्यादा दे दिया है ना इसको थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले बोल रहा था कि आप पहले इसको अलाइनमेंट को फिक्स कर लो, ठीक है, ऐसे करके। तो देखो यहाँ पर ये इधर आएगा फिर इधर जाएगा फिर देख सकते हो यहाँ पर, तो ये थोड़ी सी कम हो गई है, तो इसको ऊपर कर दो, ठीक है। और नीचे में जो ये है ना कर्व इसको और आप ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आइए और इसको ना कर्व को इधर कर दो, ठीक है। और फोटो को आपको पता है मूवमेंट ट्रांसफर में आके इसको ऊपर की तरफ करोगे तो ये परफेक्ट तरीके से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको पूरा कर लेना है। अब वीडियो को टैप कर लीजिए और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर सेव कर लेना है।